नमस्ते किसान भाइयों, ए टू जेड फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम उपम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, उपम यह एग्रीसर्च इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें जो कंटेंट है वह आयरन 2.5%, जिंक 3%, मैग्नीज 1%, कॉपर 1%, यमो 0.1%, बोरॉन 0.5%। यदि किसी पौधे में किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। यदि पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी कमी सिर्फ उसी तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, किसी दूसरे तत्व के द्वारा नहीं। पोषक तत्व पौधों के उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। आवश्यक पोषक तत्वों के कमी होने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, भिन्न भिन्न रोग हो जाते तथा पैदावार कम होती है। अंततः पौधों की अच्छी बढ़वार और अधिक उत्पादन के लिए पौधों में पोषक तत्व सही और पर्याप्त होना चाहिए। इससे पौधों की प्रारंभिक ताकत बढ़ती है और रोग और कीट के प्रतिरोध को प्रेरित करता है। यह पौधों को बेहतर तरीके से पर्यावरणीय तनाव का विरोध करने में मदद करता है। उपज के विकास और गुणवत्ता में काफ़ी सुधार करता है। उपम को विशेष रूप से अधिकतम जैव उपलब्धता, सहनशीलता और सुरक्षा के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के रूप में तैयार किया गया है। उपम में सभी महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व चेलेटेड रूप में होते हैं। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की शारीरिक और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपम पानी में आसानी से घुल जाता है। अब बात करते हैं उपम का छिड़काव हम कौन कौन से फसल पर कर सकते। तो इसका छिड़काव हम टमाटर, गन्ना, सोयाबीन, प्याज, आलू, केला, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, कपास, अरहर, चना, मिर्च, सभी फल की फसलें, सभी फूल की फसलें, सब्जियां, इन सब फसलों पर हम इसका छिड़काव कर सकते। किसान भाइयों, अगर इसके डोज की बात करें तो 15 लीटर पानी में 50 ml मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और एकड़ के हिसाब से बात करें तो एक एकड़ में 500 से 1 लीटर तक ड्रिप से दे सकते हैं। क्षारीय प्रतिक्रिया वाले को छोड़कर अधिकांश कीटनाशक और कवकनाशी के साथ उपम संगत है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ए टू जेड फार्मिंग की वेबसाइट www.a2zfarming.in को विजिट कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।